हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ के अंदर बच्चा कब मूवमेंट करता है, उसकी मूवमेंट अगर आपको फील नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ उपाय की भी बात करेंगे, कुछ कारणों की बात करेंगे जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि बच्चे कौन से मंथ में कौन से वीक में हलचल करते हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी है या तीसरी प्रेगनेंसी है तो आपको कौन से मंथ में कैसा महसूस हो सकता है। जब महिला को पहली की बच्चे की महसूस होती है, छोटे छोटे पैर महिला को सहला रहे होते हैं, टमी को सहला रहे होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। छोटी छोटी शुरुआती जो बच्चे की मूवमेंट्स रहती है, आपको यह बताने का तरीका रहता है बच्चे का कि बच्चे का गर्भ में डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्रेगनेंसी के लगभग 18 से 20 सप्ताह में आपका बेबी हिलना डुलना और लात मारना यानी कि किक इस करना स्टार्ट कर देता है। पहली बार प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को महसूस नहीं होता है। पेट में होने वाली छोटी छोटी फड़फड़ाहट आपको बेबी का हेलो बोलने का तरीका रहता है। कुछ महिलाओं को जब फर्स्ट बार वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो 5 मंथ या 6 मंथ में मूवमेंट हो सकती है, और अगर आप दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो पहली बार के अकॉर्डिंग दूसरी बार मूवमेंट आपको जल्दी फील हो सकती है, और अगर आपकी तीसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो हो सकता है आपको 6 मंथ के बाद यानी कि 6.5 महीने या 7 महीने के आसपास बच्चे की मूवमेंट फील हो, कभी कभी आपको नहीं होगी। आपने जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और बता दिया गया है कि सब बिल्कुल नॉर्मल है तो आप अगर बेबी मूवमेंट नहीं करता है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वहीं कुछ महिलाओं को 16 सप्ताह के आसपास किक महसूस हो सकती है। 24 सप्ताह तक बच्चा तेज़ी से मूवमेंट करने लग जाता है यानी कि 24 वीक्स के आसपास बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, और अगर नहीं मूवमेंट करता है 24 सप्ताह के बाद भी, 20 सप्ताह हो गए, 24 सप्ताह हो गए और नहीं होते हैं तो तब आपको डॉक्टर को एक बार ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएँ 3 महीने, 4th महीना, 5वां महीना उस समय तक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती हैं, उस समय भी बेबी की मूवमेंट उनको फील नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपने 5 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाई और बच्चे ने अभी तक मूवमेंट नहीं की और अल्ट्रासाउंड में आ गया बिल्कुल सब सही है तो तब भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे जो मूवमेंट है वो बहुत कम करते हैं, बहुत कम हलचल करते हैं। बच्चा जितना ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा ही होती है, अगर बच्चे में एनर्जेटिक कम है तो बच्चा कम मूवमेंट करता है। फड़फड़ाहट पेट पर आपको हल्की सी महसूस हो सकती है, इसे एक निकनेम के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चा अब यानी कि 5वां मंथ भी हो गया, 6ठा मंथ भी हो गया, मूवमेंट नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चा वैसे मूवमेंट ज़रूर करता है, 5 मंथ के बाद मूवमेंट करने लगते हैं, आप उनके दिनचर्या पर काउंट करें, क्योंकि जैसे आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे की भी दिनचर्या टमी के अंदर उसी तरीके से रहती है। तो आपको करना क्या चाहिए कि बच्चा मूवमेंट करता था लेकिन अगर आपको अचानक से बंद हो गई है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। ब्लड का फ्लू बच्चे तक ना पहुंच पाना इसका एक कारण हो सकता है, साथ ही बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या शरीर में पानी की कमी की वजह से भी बच्चे कभी कभी मूवमेंट नहीं करते हैं। जब भी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसमें पता चला है कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है और फिर आपको डबल वापस अल्ट्रासाउंड करवाने जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूरी जानकारी लें। बोलने में या पूछने में कोई सी भी हिचकिचाहट ना रखें। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कि अब हमको कब आना है और अब हमको कब अल्ट्रासाउंड करवानी है और साथ ही हमको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे बच्चा प्रॉपर जो मूवमेंट है वो करने लगे। अगर आप नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी चल रही थी 5 मंथ में, 3रे महीने में भी आपको हल्की सी मूवमेंट यानी फड़फड़ाहट महसूस होती थी, बच्चे ने एकदम अचानक कर दिया, तो आपको क्या करना है, कुछ आपकी पसंद की चीज़ खाइए जो आपको पसंद हो या कुछ ठंडा खा लीजिए, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है, जैसे आप कुछ चीज़ें खाते हैं तो एकदम बच्चे के प्रभाव में आती है तो बच्चा मूवमेंट करने लगता है, भले ही वो पेट के अंदर सोया हुआ वो हिले डुलेगा ज़रूर। उसके बाद भी अगर बच्चे ने मूवमेंट नहीं की है तो आप जब भी खाना खाते हैं 1/2 घंटा बाईं करवट लेकर लेट जाइए, बच्चा 1 से 2 बार मूवमेंट ज़रूर करेगा। उसके बाद भी अगर नहीं करता है तो आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए 15-20 मिनट का, उसके बाद फिर बाईं करवट आकर लेटिए, फिर अपने पेट पर हल्के से थपथपाइए, हल्की सी गुदगुदी कीजिए, बच्चा मूवमेंट ज़रूर करेगा। इसके साथ ही आप हल्की सी जंपिंग कर सकते हैं जिससे पानी की जो थैली रहती है टमी के अंदर वो हिलने डुलने लगती है और बच्चा उसमें मूवमेंट करने लगता है, अपना पैर चलाएगा, अपना हाथ ज़रूर चलाएगा। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि बच्चा अगर
मूवमेंट नहीं करता है या बहुत ज़्यादा आप अगर काम करते हैं थकान हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि दिन के समय बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, जैसे ही आप रेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। और कुछ का ऐसा रहता है कि आप जब रेस्ट करते हैं बेबी भी उस समय रेस्ट करता है, और जब आप कुछ हल्के फुल्के काम करते हैं तो बेबी मूवमेंट करने लगता है। या आप खुद काउंट करके रखिए कि बेबी ने कितने दिन में कितनी करी। वैसे एक दिन में प्रेगनेंसी के दौरान 6-30 बार बेबी मूवमेंट ज़रूर करता है, और साथ ही जब आप बेबी हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, 9th मंथ लग चुका होता है, तब बेबी की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन तब भी बच्चा जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होने वाला रहता है, यानी कि घर जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है, उस समय भी बच्चे की मूवमेंट आपको फील होगी, थोड़ी कम होगी। इसके साथ ही 9th मंथ 8th मंथ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट बच्चे की फील होती है, 7th मंथ में भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही कुछ महिलाएँ ऐसी रहती हैं जो फर्स्ट बार और जो थर्ड बार माँ बनने वाली रहती है, उनको बच्चे की मूवमेंट पहले बच्चे के अकॉर्डिंग या तो कम होगी, या आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो हो सकता है कि पहला बच्चा मूवमेंट कम करे, क्योंकि कुछ कुछ महिलाओं का अलग अलग केसेज में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आपके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं, आपका बच्चा कौन से मंथ में मूवमेंट करी थी, या आपको कुछ परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।